तो कैसे आप सब, मैं घूमने आया हुआ हूँ, वो है हुमायूं टॉम। क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में देखा था दिल्ली का जू, तो आज मैंने सोचा कि हम थोड़ा दिल्ली के पास ही कहीं घूमने जाते हैं और वहीं की लोकेशन को कवर करते हैं और वो आपको दिखाते हैं। तो मेरे पीछे हुमायूं टॉम है, तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हों तो उसे सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर देना। तो जल्दी से हम इसको शुरू करते हैं वीडियो। मैं आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जो हुमायूं टॉम है, ये हुमायूं की मौत के 9 साल बाद इसको बनाया गया था, जो कि पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है, एकदम मार्बल जो है इससे रेड है पूरा। इस हुमायूं टॉम में मुगल परिवार की 100 से ज्यादा कब्रें हैं। दिल्ली के आसपास रहते हैं वो तो यहाँ पे एक बार जरूर आए होंगे, और जो दिल्ली से बाहर से आते हैं वो भी यहाँ पे जरूर विजिट करते हैं एक ना एक बार, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। यहाँ पे वैसे कैमरा वैमरा अलाउ नहीं होते, आप फ़ोन से बनाइए। बाकी आप कुछ भी इक्विपमेंट लेके नहीं जा सकते अंदर, क्योंकि मेरा माइक वाइक सब उन्होंने रखवा लिया था बाहर ही, और ट्राईपॉड वगैरह सब कुछ, तो सब कुछ मैं फ़ोन से ही बना रहा हूँ। एंड साथ में अगर आपको छोटे मोटे कैमरा आपके पास है तो आप उसकी अलग से एक टिकट कटवा सकते हैं, जो कि 25 रुपये की है। और यहाँ पर आने के जब आप यहाँ पर आओगे तो इसकी टिकट जो है वैसे 35 रुपये की है, अगर आप ऑनलाइन लेते हो। ऑनलाइन स्कैन करो और डायरेक्ट आप पे करिए और अपनी इन्फॉर्मेशन भरिए साथ में। आपने ये लोकेशन तो बहुत बार देखी होगी अदर मूवीज़ में भी, जैसे कि बजरंगी भाईजान में गाने की शूटिंग में भी है, और अदर मूवीज़ में भी बॉलीवुड की बहुत मूवीज़ हैं जिनमें इस लोकेशन को लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत प्यारी लोकेशन है यार। हुमायूं का टॉम है, ये इंडिया का पहला ऐसा टॉम है जो कि गार्डन के अंदर जो बना हुआ है। इसी टॉम को देखकर इंडिया में ऐसी और जगहें बनाई गई है जो कि गार्डन से रिलेट करती हैं। और टॉम की जैसी एंट्रेंस आप जाओगे तो आपको एक छोटा सा म्यूजियम टाइप भी इन्होंने बना रखा है, तो उसके अंदर आपको और बारीकी से इसके बारे में समझने का मौका मिलता है। उसके पुराने कुछ ईसा टॉम के भी कुछ पुराने बर्तन हो गए, या मतलब म्यूजियम है तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। हुमायूं टॉम तो मैंने घूम लिया है, अब मैं आ गया हूँ ईसा टॉम। तो ये आपको हुमायूं टॉम के एंट्रेंस पे ही है, अगर आप शुरू में नहीं जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जब एग्ज़िट कर रहे हो तो तब आप जा सकते हैं। तो मैं अभी इधर ही जाने वाला हूँ। पास में ही आपको ईसा खान का टॉम भी मिल जाता है। जब आप हुमायूं टॉम की एंट्री करते हैं ना तो ये आपको सबसे पहले यही नज़र आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सीधा चले जाते हैं, सीधा हुमायूं टॉम, और आते टाइम यहाँ पे आते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही किया है।
आप आइए, इधर भी आ सकते हैं, पास ही है, एंट्रेंस गेट पर ही है, आपको हमारे टर्म के एंट्रेंस गेट पर मिल जाएगा। आप अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं तो या बाहर से भी आए हैं तो आप कोशिश करें कि मेट्रो से ट्रैवल करें, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक आपको मालूम ही है और पेट्रोल भी इतना महंगा हो रहा है, तो कोशिश करें कि मेट्रो से ट्रैवल करें, भीड़ भाड़ से बचें। ये थी आज की हुमायूं टॉम की वीडियो, और आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे लेते हैं अलविदा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।